डीआरजी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की अनुसंधान शाला डीएसआईआर भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है और उसके द्वारा विकसित सभी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के द्वारा भी प्रशंसित हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.drgwellness.com, कॉल करें 011-4187-4188-134604-6099-971-177-7251। सो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त स्नेहल राय और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है डॉक्टर जी वेलनेस शो। वेल प्रोफेसर डॉक्टर जी, मैं आपको कितनी बार थैंक यू बोलूं, मेरे ख्याल से हर बार कम पड़ेगा क्योंकि आप इतने दिल से हमारे सारे व्यूअर्स को जानकारी देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। वेल दोस्तों, आर्थराइटिस और जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये कहने में ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, बोन का प्रॉब्लम है, आज हो रहा है कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कब छोटे से बड़ा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता और उसके बाद वाकई में दुर्घटनाएं होने लगती है। सो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। अगर आपके लाइफ में भी या आपके आसपास परिजनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जी खुद और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, बस आपको एक छोटा सा कॉल करना होगा, दैट्स इट। वेल, इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती थी कि ये डीजनरेटिव डिसऑर्डर जो है, इसे फिक्स कैसे किया जा सकता है? आई मीन, ये रिवर्सल है या नहीं? सैकड़ों हमारे पेशेंट्स चल रहे हैं जिनको डॉक्टर्स ने सजा दे दी थी नी रिप्लेसमेंट की, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं देते कि उनकी कंडीशन अच्छी रहेगी। जैसे ही जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी और जितना लंबा हम जीना शुरू करेंगे, पहले लोग 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से मर जाते थे या आगे दूसरी तरह के ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज आते थे, लेकिन आज के ज़माने में लाइफस्टाइल डिजीजेज इतने बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम कुर्सियों पर बैठे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, और एक्सरसाइज करते हैं तो गलत एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हमारे जॉइंट्स के अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप जिम्स के अंदर भी देखेंगे कि लोग जो 40s के अंदर होते हैं वो सब तरह के बैंड्स बांधे होते हैं अपने आर्म्स के अंदर, घुटनों के ऊपर बैंड्स होते हैं और लगे होते हैं वेट उठाने में। वो ये नहीं जानते कि मसल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और वहां पर न्यूट्रिएंट्स को डालने की जरूरत है। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर अपने आप को बचाने के लिए और लाइफ जीने के लिए, तो आपको डेफिनेटली आर्थराइट प्लस और जनाथो लेना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं भी लेता हूं। कि ज्यादा समय तक अगर आप खड़े रहते हैं, जॉइंट के अंदर सूजन आ जाना, सीढ़ियां चढ़ते उतरते आपके जॉइंट के अंदर दर्द होना, उसके बाद ज्यादा समय तक जैसे किचन में खाना बनाते हुए खड़े रहें ज्यादा, उसके बाद सूजन आ जाना, ये सबके साथ होने वाला है क्योंकि हम लंबे समय तक जिएंगे, क्योंकि इस तरह का जमाना आ गया है। और इस जमाने में अगर हमको जीना है तो हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे कि वो सबसे पहले अंदर की सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करें और उसके बाद वहां पर रीजनरेशन शुरू करें, यानी कि हम कॉलेजन पेप्टाइड्स और बोटानिकल स्पेशली देते हैं कि इन्फ्लेमेशन कम हो और वहां पर हम फिर से रीजनरेशन का मटेरियल डाल सकें, यानी कि ईंटें कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आप भी हजारों लोगों की तरह ऐसे रिजल्ट्स पा सकते हैं, और हम नहीं बोल रहे, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सैकड़ों लोगों की वीडियोस चेक कर सकते हैं। वेल, इसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर जी, एक बार फिर से एक कॉलर अपने सवाल के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, तो लेते हैं आज का अगला कॉल। जी बिल्कुल जी। हेलो। हाँ नमस्कार डॉक्टर जी, वेलनेस शो में आपका स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रेखा सिंह लखनऊ से बोल रही हूँ। रेखा जी नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर। लखनऊ के कौन से इलाके से बोल रही हैं आप? मैं अवध बिहार कॉलोनी एयरपोर्ट के पास में। एयरपोर्ट के पास में बोल रही हैं जी। तो क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर? मैं करीब लगभग 5 साल से सप्लीमेंट ले रही हूँ आपका जी। तो बस ये बात है कि बस ऑपरेशन से बच गई हूँ जी। जी ये है, बस ले रही हूँ और उसके थोड़ा सा हमको फायदा भी हुआ है, बस ये है। ऑपरेशन से बच गए, यही बहुत जी, बड़ी इम्प्रूवमेंट है क्योंकि डेट भी मिल चुकी थी डॉक्टर, तब तक आपका टीवी पे प्रोग्राम देखा जी, तो फिर मैंने उसको फॉलो किया जी, मंगवाई दवा मंगवाई जी, करीब 4-5 साल पहले जी, तब से लगातार मैंने
रुकी दवाई आपकी, तो 15 दिन में ही मुझे कुछ आराम सा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सर आपके यहाँ टीम में जो है डॉक्टर, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया, जनार्थो लीजिए, सूजी स्प्रे करिए। तो सूजी स्प्रे तो मुझे सूट नहीं की, जनार्थो भी मैंने 1 साल लिया लगातार। अपनी बॉडी समझ रही हूँ किस तरह से मुझे आराम मिल रहा है, किस तरह से नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आपको इतना वो कर रही हूँ। इसलिए आपको हम भी यही कह रहे हैं कि हम आपको पूरे तरीके से आराम देना चाहते हैं, इसलिए आप कम से कम 1/4 सैशे लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर 6 महीने तक छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि बॉडी हमारी चेंज होती रहती है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी हमें नहीं पता होता, इसलिए ट्रीटमेंट को लगातार ट्राई करते रहना चाहिए। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखी गई। सो आप ऑपरेशन से बच गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोगों की जनरली कंडीशन लोग जैसे बताते रहते हैं बस उसी तरह से, टोटल आराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि मैं मतलब चलती फिरती रहती हूँ। जो ऑपरेशन के समय हमको केयर ऑपरेशन के बाद में करनी पड़ती केयर, वो अभी मैं कर रही हूँ, तो मुझे तो लगता कि एकदम फ्रेश तो ऑपरेशन करवाने के बाद बॉडी नहीं होगी, तो उसी तरह इससे अच्छा तो मैं पहले ही केयर इतनी करती रहूँ कि जो मुझे आराम से रह सकूँ। जी, और ये चीज मैं सोचती हूँ, और बाकी व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि इतनी देर मत कीजिए कि ऑपरेशन की बात पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी स्टोरी शेयर करने का, अपना ख्याल रखिए और अपनी आर्थराइटिस को पूरे तरीके से रिवर्स कीजिए। नमस्कार। वेल प्रोफेसर डॉक्टर जी, इसी के साथ एक सवाल मेरे जहन में तब से है कि आर्थराइटिस में जो रिस्ट में पेन होता है, कई बार नॉर्मली कोई आइडली बैठा है ऐसे है या कुछ वेट उठा लिया तो यहाँ बहुत पेन होता है, ये भी आर्थराइटिस के ही अंडर आता है या इट्स डिफरेंट? वेल ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर इसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ पर आपकी नैरोइंग हो जाती है टेंडन की, तो ये कंडीशन ज़्यादातर डिजेनरेटिव होती है कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने में, आजकल बच्चों के अंदर भी पाई जा रही है, और अगर इसको अप्रोच नहीं किया लोगों ने अर्ली स्टेज के अंदर तो उसके बाद सर्जरी ही इसका एक चारा बनती है। ये आर्थराइटिस में हम इसे काउंट कर सकते हैं? इसको हम डिजेनरेटिव चेंज कह सकते हैं टेंडन का, एग्जैक्टली हम इसको जॉइंट का तो नहीं कह सकते, बट हाँ उस एरिया का भी डिजेनरेटिव चेंज जरूर इसको कह सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर जी, आपने वाकई में हमें बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेल दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि सिकनेस से वेलनेस की ओर अगर आपको सीधा जंप करना है तो ये मुमकिन है, बस एक छोटा सा कदम आपको उठाना होगा और संपर्क करना होगा प्रोफेसर डॉक्टर जी से और उनकी पूरी टीम से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप या आपका कोई अपना डायबिटीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, PCOD या थायराइड जैसी किसी भी बीमारी से परेशान है और चाहते हैं एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तो आप कभी भी प्रोफेसर डॉक्टर जी या इनकी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर जी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, 100/28 सूरजमल मार्केट, रजापुर विलेज, रोहिणी, सेक्टर 9, न्यू दिल्ली 110085। हमारे नंबर्स हैं 011-4187-4188, 813-046-0999, 971-177-7251। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91-81304609। हमारी ईमेल आईडी है info@drgwellness.com। हमारी वेबसाइट है www.drgwellness.com। क्या आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कब्ज खत्म होते ही लूज मोशंस हो जाते हैं, तो आपके लिए है डॉक्टर जी का कॉन्स्टीज। इसे तैयार किया जाता है डॉक्टर जी वेलनेस के अपडेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न एक्सट्रैक्शन लैब में। डॉक्टर जी वेलनेस की रिसर्च टीम 24/7 काम करके आपकी हेल्थ को ध्यान में रखकर ही आपके लिए तैयार करती है कॉन्स्टीज, एक ऐसा बैलेंस्ड हर्बल सॉल्यूशन जो आपको कब्ज से छुटकारा दिलाए, आंतों को रखे क्लीन और आपको वेट मैनेजमेंट की ओर लेकर जाए कॉन्स्टीज। डॉक्टर जी के वेट रिडक्शन के साइंटिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं।